I have a technical problems for you. I was just viewing this book. आपकी बच्चों के लिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है. I always appreciate it. ये वाली है, बच्चों के लिए अच्छी है इसकी लैंग्वेज. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिनेश वाली है. हाँ, इसमें दो न्यूमेरिकल्स मुझे उस टाइप के डायरेक्टली मिल गए थे, इसलिए मैं ले आया हूँ आपकी क्लास में कि बच्चों को पहले वो न्यूमेरिकल करवा दूँ उस टाइप का. एक एक मैं करूंगा, फिर आप एक करोगे. चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं फिर. इनका पीरियड था पहले, उन्होंने बैठ के काम किया होगा ज्यादातर. इतनी लेंथी वायर तो है नहीं लग रही अभी. इसमें वल पड़ा हुआ था तो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो लिखिए बेटा, आज हमारा सेकंड हो गई ना बेटे, सेकंड ही है फर्स्ट. 20 21 वो दोनों देखो आई थिंक इंस्पेक्शन पे निकल गए हैं. सो डियर चिल्ड्रन, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा. द सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ इन 27 डेज. बेटा आइए, वेलकम, थैंक यू. द सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ. इतने दो बड़े बंदे भेजे और लेके आए आप क्या? नहीं ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन जैसे आप गए थे उसके प्रोपोर्शनल नहीं है ये, राइट? द सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ इन 27 डेज. बेटा सन की बात की है, ये 27 डेज में अपने आप के राउंड अबाउट रोटेट कर जाता है. और आपको फर्दर क्या दिया गया है बेटा? इफ द सन वर टू एक्सपेंड ट्वाइस इट्स प्रेजेंट साइज, टू एक्सपेंड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट साइज, देन मैं रिपीट करूंगा बेटे, फिर से सुनिएगा ध्यान से एक बार. द सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ इन 27 डेज. व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इफ द सन वर टू एक्सपेंड ट्वाइस इट्स प्रेजेंट साइज? आपकी हेल्प के लिए देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है. कंसिडर द सन टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr². आपको बच्चों देखो उन्होंने ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. तो ये आपका बेटा न्यूमेरिकल है. एक मैं कर रहा हूं, आपको एक आगे वाला देता हूं, जरा ध्यान रखिएगा. सो बेटे जब भी हम सन की बात करें, अर्थ की बात करें, या मून की बात करें, या कोई और हेवनली बॉडी की बात करें जो रोटेट कर रही है इटसेल्फ, बेटा उस केस में उसको रोटेट करने के लिए कोई बाहर से उसके ऊपर फोर्स या टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहा. इट विल मीन दैट कि आपका उस ऑब्जेक्ट का एल जो कि I(ω) के बराबर आप प्रूव कर चुके हो, इट विल स्टे कॉन्स्टेंट बेटा. अब जब तो सन नॉर्मल है, उसका टाइम आपको 27 डेज दे रखा है, जब उसकी उन्होंने एक्सपेंशन की बात कही है तब का आपको पूछा हुआ है, इट विल मीन दैट कि इस पोजीशन में अगर आप इसके एंगुलर मोमेंटम एल को I(ω) बोल देंगे, सेकंड केस में लेट इट बी I-ω-, तो आपका एल बिकॉज कॉन्स्टेंट है, आप इन दोनों को बच्चों कंपेयर कर सकते हो. सो व्हाट वी कैन से, I(ω) इट इज I-ω-, या आप 1 2 डाल सकते हो, I1 I2, ऐसे करके भी आप जो है ये कह सकते हैं बेटा. अब देखिए आपको उन्होंने क्लियरली दे दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चलिए आपके पास है ही है, एक्सपेंड करके साइज 2 टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब है कि रेडियस डबल हो गया, R-2 R। अभी
आपको इसको इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखना भी पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपका 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर है, और ओमेगा इट इज डियर चिल्ड्रन 2π/T बेटा, और राइट साइड पे देखिएगा आई डैश ये आपका 2/5 एम मास के चेंज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं आपको इंटीमेट किया, उन्होंने आर की बात की है, तो मैं आर डैश का स्क्वायर लिख देता हूं, राइट जी बेटे। और बच्चों ओमेगा डैश आपका 2π/T डैश हो जाएगा, टी आपके पास है, टी डैश आपको निकालना है, बाकी चीजें सारी एडजस्ट हो जाएंगी। तो आइए देखें करके 2 बाई, हाँ जी करेंगे, मैंने आर डैश लिख दिया है, अब करेंगे अगले स्टेप में कर देते हैं, अगर एक में कर देंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। ये 2/5 कट गया बेटे, कैपिटल एम भी कट गया, मास सन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा चेंज करने के बारे में, और 2π भी आपका बच्चों कट गया। यू आर लेफ्ट विद आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इट इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डैश बेटा, और आप टी डैश निकालना चाहते हैं, टी डैश इसको मैं इधर ले जाता हूं, इट विल बी आर डैश अपॉन आर, दोनों का स्क्वायर है ना बच्चों, इसको आप ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए। अब स्टेटमेंट के इस पार्ट पे फोकस करिएगा, इफ द सन वर टू एक्सपेंड ट्वाइस इट्स प्रेजेंट साइज, बेटे देखो उन्होंने साइज की डायरेक्टली बात की है, उन्होंने वॉल्यूम नहीं कहा, अगर वॉल्यूम कहें तो और तरीके से चलना पड़ेगा, साइज का मतलब डायमीटर या रेडियस से होता है, तो आपको रेडियस आर डैश उन्होंने कहा कि डबल हो गया है, तो आप इसकी वैल्यू आर डैश की वैल्यू ट्वाइस आर करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रेस्ट एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली गेटिंग कैलकुलेटेड। तो टी डैश इट इज बेटा आर डैश आपका 2R हुआ जी, R आपका ऐसे ही रह गया, इसका स्केयर इनटू T कर दोगे आप, एंड इट विल बी देखिए R भी आपका कट गया 4 times T, एंड T डैश दिस इज 4 into 27, एंड इट विल बी 108 डेज आ गया बेटा, 108 दिन में वो अपने राउंड अबाउट एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो कई बार बच्चों आपको वो कह देते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें चेंज निकाल के बताइए कि चेंज कितना आएगा, तो हमें इस पीरियड में से इसको माइनस कर देना होता है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से देख लेंगे कि क्या उन्होंने चेंज कहा है निकाल के बताइए, या उन्होंने कहा है कि नया टाइम पीरियड बताइए, या क्या पूछा गया है। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल में जो अक्सर गलती हो जाती है वो यहाँ पे होती है, साइज एक टर्म में आपको वॉल्यूम भी दिया जाता है, अगर वॉल्यूम हो तो आप वॉल्यूम को कंपेयर कर लेंगे अकॉर्डिंगली, तो ये दो पॉइंट्स होते हैं जहां पे गलती के चांसेस रहते हैं, बाकी कोई गलती आपकी नहीं होगी, राइट बेटा। एक आपके लिए दूं प्रॉब्लम, अब है वॉल्यूम इनिशियल वाला जो आपका है स्फेरिकल बॉडी का 4/3πr³ होगा, नई बॉडी का वो बोलेंगे वॉल्यूम आपका 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 8 times हो गया, उसका लिख दो, दोनों को कंपेयर कर लो, आर और आर डैश का रेशियो आपके हाथ में आ जाएगा, उसको यूज करिए जैसे मर्जी यूज करिए, राइट। एक न्यूमेरिकल आपके लिए दे रहा हूं, कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। हां जी पुत्र लिखिए, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे, क्वेश्चन देखिए कैसे इन्होंने पूछा है आपको, टी डैश पूछा है डायरेक्टली, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स, इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 of its original volume, mass remains unchanged, mass नहीं बदल रहा, ये उन्होंने साफ कर दी बात आपको कि बच्चों को confusion ना हो, earth का नए वाला volume बच्चों जो है it is 1/64 of the initial volume, right जी। और आपको क्या दिया है, और आपको उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, earth 24 hours का time लेता है ना, तो वहां से इसको consider करके आप कर दीजिएगा, लगाएंगे 2-3 minutes, करिए बेटा। अर्थ आपका सॉलिड स्फीयर आप मानते हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन 2/5 mr² होगा, ये कौन है बच्चा, क्या हुआ इसको, हाँ जी पुत्र,
ऑल राइट और नॉट, क्या कहती है इसको नीचे करके बताइए, नहीं सुन पा रहे हम, जब पानी पी आओ जाओ चले जाओ। सो डियर चिल्ड्रन एग्जैक्टली सेम थिंग, कोई मुश्किल वाली बात नहीं आई। आपको पता है सॉलिड बॉडी का कितना होता है, एग्जैक्टली सेम तरीका। और देखिएगा कितना आ रहा है आपका आफ्टर कैलकुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल, स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसको यूज करिए और निकालिए। हाँ जी डियर चिल्ड्रन, किसी का हो गया तो बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे अंजलि, अर्शप्रीत, रमन, निश्रु, नमन, जपन, प्रीत, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, दिख नहीं रहे हैं आप। एक वंश पता नहीं कहाँ चला गया है, वैभव, सॉरी वैभव, वैभव दिखता नहीं है क्लास में। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटी, वेरी नाइस वेरी नाइस, थम्स अप फॉर यू, वेरी गुड कैलकुलेशन। निधि, ख्याति, तो बोल क्यों नहीं रहे आप अपना निकाल के बैठ गए, आराम से बताओ ना। गुड वेरी गुड, इट इज 1.5 आवर्स। सबका आ गया बच्चों का, कर लीजिए फटाफट कर लीजिए, कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके देखो बताओ, नहीं तो फिर मैं करूं बेटा। मिताली, सहज, करवा दें, बहुत बढ़िया। बी डैश का फॉर्मूला बोलिए, 4/3 πr² का क्यूब कर दें, एंड इट इज 1/64 ऑफ 4/3 πr² का क्यूब कर दें, चलेगा? अब जरा ध्यान से देखिएगा वैभव, सॉरी ये उल्टा बोल जाता हूं मैं, अगर मैं ऐसे कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं, चल जाएगा काम? तो बस बेटे बार रह क्या गया, कुछ भी नहीं, आर डैश आपका बन गया r/4, दैट्स इट। बाकी कट गए सारे फैक्टर्स, ये देखो बच्चों, ये देखो, अगर पावर सेम है बेसिस मस्ट बी इक्वल। आप जब भी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको वॉल्यूम की टर्म्स में बात की होगी ना, तो ये जैसे 64 था ना, इट विल बी किसी का क्यूब होगा ये चीज, ठीक है ना, 4 का 2 का 3 का 9 का 7 का, समथिंग लाइक दैट होगा। तो यही से इशारा ही होता है एक समझदार को, राइट? अब कर दीजिए फटाफट, अब मैच कर गया आंसर के नहीं? एग्जैक्टली बिल्कुल, दैट्स नाइस। सो चलें फिर बच्चों आगे, क्या कहते हो? ओके बेटा, ये बेटे आपका टॉपिक ऑफ द डिस्कशन तो नहीं था, प्रॉब्लम था हमारा तो हमने डिस्कस कर लिया,
लास्ट टाइम हमने जरा देखिएगा कहाँ पे थे, क्या टॉपिक कर रहे थे, पी आई थिंक कर रहे थे ना, पास्कल्स लॉ कर रहे थे आप, वेरी राइट वेरी राइट। उसकी एप्लीकेशंस हमने आई थिंक कर ली है कि रहती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रेस ब्रेक्स कर ली है, करनी है ना अभी एप्लीकेशंस की बेटे बात हम कर रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। बेटे वो गुड़िया गई वापस नहीं आई, तो देखो तो कहीं ठीक ठाक है क्या बात है, इसकी उम्र बड़ी लंबी है देखो, है अभी याद ही किया था आपको। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ बेटे क्या है, आइए वन बाय वन बात करें। पहला है बेटे आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, बेटे जरा समझ लीजिएगा पहले, हाइड्रोलिक लिफ्ट बेटा, इसमें आपको एक बेटे थोड़ा सा नैरो सिलेंड्रिकल वेसल प्रेफरेबली मेड अप ऑफ मेटल दिया जाता है, और आपको एक सेकेंड एंड पे फार एंड पे एक ब्रॉड वेसल दे दिया जाता है, ये बड़े साइज का वेसल जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। यहाँ पे आप बेटे एक इसको ऑन एंड ऑफ, इसको मतलब वॉल्व टाइप ऑफ अरेंजमेंट लगा सकते हैं कि इनको कनेक्ट करना है कि नहीं करना, जैसे टैप होती है बंद करनी है कि खोलनी है। इसमें आपने कोई फ्लूइड फिल किया, डियर चिल्ड्रन जब भी आप ऐसे अरेंजमेंट की बात करते हैं आपका फ्लूइड जनरली हाई डेंसिटी का होता है, राइट इधर भी आपने अपना ये फ्लूइड जो है फिल कर रखा है, एक बार समझ लीजिएगा, दो मिनट दे देता हूं फिर मैं आपको। यहां पे आपको एक पिस्टन उन्होंने लगा के दिया हुआ है, और इस पिस्टन को हमने पी प्रेशर अप्लाई करके, स्मॉल एफ फोर्स अप्लाई करके, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए अगर हम कह दें, इसको हमने प्रेस कर दिया, ऐसे प्रेस कर दिया, और इधर भी आपके पास एक पिस्टन लगा हुआ है इस तरीके से, और मान लो आप 1000 केजी मास उठाना चाहते हैं, अदरवाइज तो हम नहीं उठा पाएंगे, 1000 किलोग्राम तो मुश्किल है थोड़ा, 100 किलोग्राम तो शायद कोई, वो भी औखा ही है वैसे तो। सो मान लीजिए यहाँ पे आपका लोड टू बी लिफ्टेड है और क्वाइट हैवी लोड है, आप इस लोड को इस हाइट से इस हाइट तक लेके जाना चाहते हैं, इधर कोई लगा हुआ है सिस्टम, वो अपने आप पिक कर लेगा इसको, राइट। अब आपने इसको पी प्रेशर अप्लाई करके स्मॉल एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, आपके पास और तो कोई टूल है नहीं, आपने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए अपने कैलकुलेशंस करके एडजस्ट कर लिया। यहां पे प्रेशर आपने जो अप्लाई किया है बच्चों, इट इज एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, और पास्कल्स लॉ कहता है कि जितना आप प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करोगे, जब आपने ये वॉल्व खोल दिया, ये लिक्विड आपका कनेक्ट हो गया, ये प्रेशर इस लिक्विड के पार्ट पर भी इक्वली ट्रांसमिट होगा, और प्रेशर उस पार्ट पे आपका बेटा, मैं फोर्स को एफ और एरिया को ए, एरिया तो आपका बदल गया है, इसका हमें पता ही नहीं है कितनी है, एफ लिख दो जो मर्जी लिख लो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो, लेकिन ये जरूर है कि दोनों का प्रेशर आपका बराबर है, पास्कल्स लॉ कहते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। इनको आप कंपेयर करिएगा, एफ अपॉन ए स्मॉल एफ अपॉन ए के बराबर आ गया जी बेटा, और आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आपको मिल रहा है, इट विल बी स्मॉल एफ इंटू बड़े वाला ए डिवाइडेड बाई छोटे वाला ए, राइट, और ये आपके पास बन गया जी स्मॉल एफ कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। अगर आपका कैपिटल ए स्मॉल ए के कंपेरेटिवली फोर टाइम्स है, तो आपका बड़े वाला एफ जो है स्मॉल एफ का फोर टाइम्स हो जाएगा, जितनी आपने फोर्स लगाई उससे चार गुना आपको मिल जाएगी एज ए रिजल्ट। सो अगर आपका कोई लोड टू बी लिफ्टेड काफी ज्यादा है, आप इस तरीके की लिफ्ट को यूज करके, जिसको आप हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हो, आप अपना काम कर सकते हो बेटा। और अगर कई बार कोई मटेरियल को हमने प्रेस करना होता है, बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, हम उसको कंप्रेस करना चाहते हैं, प्रेस करना छोड़ दें, अगर कंप्रेस करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक अपर एंड पे अरेंजमेंट लगाकर यहाँ इसको फिक्स कर देते हैं, ऊपर एक मेटल का शीट लगा रहता है,
तो जब ये ऐसे ऊपर उठेगा तो ये इसको अपने आप प्रेस कर दे, राइट बेटे, रादर कंप्रेस कर देगा, प्रेस नहीं कर देगा। समझ आ गई बात बच्चों को पुत्र? इसको थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। ये छोटा सा एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, दो चार लाइंस हैं, इनको नोट कर लो, फिर एक एप्लीकेशन और है वो करके हम आगे चलेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं, बड़ा आसान सा काम है बेटा, अगर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली काम करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं देन बेटा। इसके बाद हमारे पास बेटे आ जाता है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आपने देखा होगा बाहर रोड पर बड़े हैवी व्हीकल्स चलते हैं, उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, कई बार तो लोडेड व्हीकल्स होते हैं, उनको वो ड्राइवर जरा सी ब्रेक अप्लाई करते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं। उनमें आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ज्यादातर यूज की गई होती हैं। तो आइए उसका भी बेटे एक बार सेटअप समझ लें, हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसी हैं। इसमें ये बड़ा है, इससे बड़ा है ना, एक बार समझो दोबारा। मान लो आपका ए जो है छोटे एरिया का 10 गुना है, मान लिया हमने, आपने इधर एक इंजेक्शन वाले नीडल का सिरिंज लगा दिया है, नीडल उतार दिया, सिरिंज तो आपको बेहतर जानते हैं, तो ये इसको पुट कर दो, F will be equal to small F, 10A upon A, ये कट गया, बड़े वाला F 10 गुना हो गया इसका, आपने तो जरा सा इंजेक्शन के लिए प्रेस किया, उधर आपको कितना लोड वो उठा रहा है, आपका लिफ्ट उठा रहा है, that's it बेटा, right? इसके बाद बेटे हमारे पास है दूसरी एप्लीकेशन, मैंने आपको इसके साथ ही बता दी है, हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं उसको बेटे साइंटिफिक लैंग्वेज में। तीसरा एप्लीकेशन है बेटे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आइए देखें, इसका थोड़ा सा आपको समझना होगा बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट अगेन एंड अगेन। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बेटा, अगर आप कभी अपने व्हीकल को जब उन्होंने रियर या फ्रंट व्हील खोला होता है, कई बार आप सर्विस करवाने जाते हैं, अगर आपने खुला देखा हो तो, नहीं देखा तो वो अलग बात है, आपका जो व्हील होता है बेटे, आपने देखा है दोनों ने कि नहीं कभी? नहीं, आप जब अपना बेटे देखिए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जब भी आप अपने ये स्कूटर एक्टिवा मोटरसाइकिल जो भी आपके पास हैं, इनकी कई बार अगर आप सर्विस करवाने खुद जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपका जी ये ब्रेक लेदर जो है ये घिस गया है, ब्रेक शू बदलने वाला है, बदल दें, आप कहते हैं कि बदल दो जी फटाफट, कोई बात नहीं। तो वो ब्रेक शू कहाँ पे होता है? ये आपका व्हीकल का व्हील है, अगले वाला या पिछले वाला कह सकते हो, आजकल तो डिस्क ब्रेक्स भी आ गई है, और इस व्हील के अंदर एक ऐसे पाइप इस तरीके से जाता है, और इसके अंदर एक, ये मैं हैवी व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, इनमें तो अब डिस्क ब्रेक्स आने लगी हैं, आपके जो ये एक्टिवा मोटरसाइकिल स्कूटर कार है, कार में तो नहीं आती होगी आई थिंक, ये इसमें एक मेटल का सिलेंडर लगा रहता है, इस सिलेंडर के साथ दो पिस्टन अटैच्ड रहते हैं ऐसे, इस पिस्टन के साथ एक कुछ इस तरीके का बेटा जो है ये कुछ इस तरीके का सेटअप होता है ऐसे, और इस तरीके से ये, और ये इसके साथ अटैच्ड होता है, इसके साथ दिस वे, कई बार यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है, इट मे बी लाइक दिस आल्सो, यहां पर ऐसे ही होता है, इनको स्प्रिंग के साथ ऐसे अटैच कर रखा होता है उन्होंने ऐसे, आप अगर कहीं खोलते देखो तो स्प्रिंग भी लगे होते हैं इसमें। इसके यहां पर एक बेटे एक ब्रेक का शू या ब्रेक का लेदर लगा रहता है यहां पे, ये वाला पार्ट आपका रोटेट कर रहा है, इसके हल्का सा अंदर की तरफ होता है ये, ऐसे ही इसके अंदर ये जो मैं मार्क कर रहा हूं
ये वाली चीज जो है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड ब्रेक शू या ब्रेक लेदर। ये आपका जो है पाइप, ये बेटे एक लॉन्ग पाइप के साथ कनेक्टेड रहता है, ये चारों व्हील्स को चला जाता है, और यहाँ पे एक मेटल का सिलेंडर लगा होता है। इस सिलेंडर में ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल को आप कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट लगाकर इसको आप अपने जो आपका फुट है, आपका पैर यहाँ पे होता है दबाने के लिए, ये सारा इसमें ब्रेक फ्लूइड फिल कर रखा है। एक व्हील मैंने आपको दिखा दिया, ये ऐसे चारों व्हील्स को चला जाता है। अब ड्राइवर ने क्या किया, अपना फुट राइट इसके ऊपर रखकर इसको हल्का सा प्रेस किया। जब हल्का सा वो प्रेस करेंगे तो ये पिस्टन इट विल मूव इन द इनर डायरेक्शन, प्रेशर पी अप्लाई करेगा ये, और वो प्रेशर इक्वली 1 2 3 चारों व्हील्स को चला जाएगा। कई इतने बड़े व्हीकल्स होते हैं, उनके मल्टीपल व्हील्स होते हैं, सबको जाएगा बराबर में, और उससे क्या होगा, ये प्रेशर आपका, लेट मी यूज डिफरेंट चॉक, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, एंड इट विल मूव आउटवर्ड, पिस्टन आगे चला जाएगा, आउटवर्ड मूव करेगा। तो ये वाला जो ब्रेक का लेदर है, ये आपके रोटेटिंग रिम के साथ अंदर से कांटेक्ट में आ जाएगा। ये रोटेट कर रहा था ना ऐसे, इसके अंदर ब्रेक शू है, दोनों में थोड़ा सा गैप है हल्का सा। जब पिस्टन प्रेशर पी अप्लाई करेगा तो इसकी वजह से दीज विल कम इन कॉन्टेक्ट, और उससे क्या होगा, आपका इसका रोटेशन जो है दैट विल बी अफेक्टेड, और आपका व्हीकल रुक जाएगा। कई बार बहुत बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स में तो ये इतना ज्यादा जबरदस्त ब्रेकिंग एक्शन होता है कि यहां से कई बार बेटे स्मोक भी देखने को मिलता है। आई होप कि आपने 2448 टायर्स वाला व्हीकल हैवी देखा होगा, तो स्पेशली जीटी रोड पे ऐसा देखने को मिलता है, सिटी में तो एंट्री नहीं होती इनकी। तो ये आपका ब्रेक लग गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रेक लगने के बाद ब्रेक को हटाना भी तो है, तो ये स्प्रिंग क्या करते हैं, द मोमेंट ड्राइवर विल लिफ्ट हिज फुट, तो ये इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा, ये स्प्रिंग इनको लेदर्स को वापस खींच लेगा, और आपका जो व्हील है दैट विल बी फ्री टू रोटेट। सो अगर किसी ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो जब अगली बार आप जाएं तो जरूर पास खड़े हो जाएं, उनको कुछ मत कहिएगा, आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि वो एक ब्रेक ऑयल भी डालते हैं बीच में, और वो ब्रेक लेदर होता है, ब्रेक शू होता है, स्प्रिंग होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं दे प्ले ए बिग रोल। सो दिस इज बेस्ड अपॉन योर पास्कल्स लॉ बेटा, राइट बेटा। चलें जी आगे। फिर इसके बाद बेटे हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है एटमोस्फेरिक प्रेशर का, आइए इसको भी थोड़ा देखें, बात करके देखें एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, और हम कैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर को बेटा डिस्कस कर सकते हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर बेटा, बेटे एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है बेसिकली आपकी अर्थ की सरफेस पर सी लेवल पे आपके एटमोस्फियर को, अगर हम बेटे एक कॉलम, वर्टिकल कॉलम मान लें गैसेस का, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दैट वी कॉल एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। जैसे आप बैठे हो, या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है कहीं भी अर्थ की सरफेस पे है, उनके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर का एक प्रेशर जो है वो ऑलरेडी लग रहा है। अगर ये प्रेशर हमारी बॉडी पे ना लगे तो मे बी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है दैट मे बी डिफरेंट। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जो स्पेस में लोग जाते हैं, स्पेस में तो एटमोस्फियर नहीं होगा, वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा, उनके जो बॉडी के सेल्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दैट प्रेशर दैट वी मे बी फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग राइट ओवर हियर, और उससे उनको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी वो अपने उस स्पेस शटल के अंदर बना के रखते हैं। अगर वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं बनाएंगे तो हमारी बॉडी का जो सेटअप है, सेल्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारा ब्रेन है, कोई भी पार्ट बॉडी का है, इसकी फंक्शनिंग के ऊपर थोड़ा बहुत असर जो है वो जरूर पड़ता है, और इसीलिए शायद वो ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक वहां पर एक ही टीम को नहीं रखते हैं बिकॉज ऑफ दैट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। सो आइए बात करके देखें एटमोस्फेरिक प्रेशर की बेटा। द
pressure exerted by the air column is known as atmospheric pressure बेटा. एयर कॉलम अगर आप अपने राउंड अबाउट अपने ऊपर वर्टिकल मान लेते हो, ये आपका अर्थ है मान लीजिए, ये सारे का सारा एटमोस्फियर है, ये एयर ही तो है सारा. एयर कॉलम ने यहाँ पे कितना प्रेशर डाला है, दैट वी मे बी कॉलिंग एज एटमोस्फेरिक प्रेशर. और बच्चों आप जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, सी लेवल पे एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हुआ करता है. ये सी लेवल पे है. अगर आप हाइट इंक्रीज करोगे, माउंटेन्स पे चले जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और ऊपर चले जाओगे तो भी कम होगा, और अगर सी के अंदर चले जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा. सी के वाटर कॉलम का भी प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा. तो जो डाइवर्स हैं, जो सी की डेप्थ तक डाइव करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको भी ज्यादा टाइम नीचे नहीं रहने दिया जाता बिकॉज ऑफ द लार्ज प्रेशर अपॉन देयर बॉडीज बेटा, या उनको स्पेशल जो है क्लोथ्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि वो अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सके. सो अगर प्रेशर आपके पास है, आप एटमोस्फियर की हाइट को बेटे एस्टीमेट कर सकते हो. आपको बड़ा अच्छे से पता है पी इज इक्वल टू एच रो जी होता है, और एच आपका पी अपॉन रो इंटू जी आएगा. और बेटे रो कितना होता है एयर का, एयर की डेंसिटी 1.13 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के करीब होती है. तो P आपके पास है, G आपके पास है, रह क्या गया, कुछ भी नहीं, H निकालने वाला रह गया, निकालिए फटाफट. प्रेशर की वैल्यू आपके पास है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.13 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और G आपको पता ही है, 10 ले लो अगर आपको नहीं 9.8 यूज करना. और कैलकुलेशन करके जरा देखिएगा कितना आ रहा है. हाइट ऑफ द एटमोस्फियर आपका 8 किलोमीटर आ जाएगा. लेकिन हमारे बेटे एटमोस्फियर का हाइट इतना तो नहीं है. इसका रीजन ये रफली आपका 1.8 किलोमीटर आ जाएगा. पी आपने ये यूज कर लिया, रो आपका 1.13 आपको बता दिया मैंने, जी आप 10 ले लो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, तो 8 किलोमीटर के लगभग आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि आपका एटमोस्फियर की हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर ही है. नो, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है, हमने डेंसिटी की फिक्स वैल्यू ले ली है, राइट बेटा. So otherwise आपका एटमोस्फियर जो है इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ राउंड अबाउट 400 किलोमीटर रफली. उसके बाद जाकर ये इसकी स्पेस की जो है वो स्टार्टिंग होती है, राइट बेटा. इसको थोड़ा देख के आइएगा बेटे. थैंक यू ऑल.